हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बीजेपी आरएसएस पर भड़के ओवैसी ने लफ्ज़ जिहाद के बारे में किस्सा सुनाया और क्या बोला। देखिए, आरएसएस वगैरह ये बहुत ज़्यादा लफ्ज़ जिहाद का वर्ड यूज़ करते हैं, इन्हें खुद इसका मतलब नहीं पता है कि लफ्ज़ जिहाद होता क्या है और लफ्ज़ जिहाद का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों को मतलब गलत ठहराने के लिए या फिर उनको टारगेट करने के लिए या फिर उनको गलत साबित करने के लिए, उनके लिए नफरत फैलाने के लिए लफ्ज़ियात का वर्ड यूज़ किया जाता है। देखिए, हमने पहले भी इसके ऊपर वीडियो की थी, उसके अंदर भी बताया था कि लफ्ज़ियात जो है वो एक दो शख्सों के बीच में होता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, लड़का हो लड़की। लड़की भी धोखा दे सकती है, लड़का भी धोखा दे सकता है। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम लड़का धोखा देगा या हिंदू लड़का धोखा देगा, धोखा कोई भी दे सकता है यार। ये सब अपनी आपसी वो होती है, चॉइस होती है। लेकिन इसमें मुस्लिमों को टारगेट करना, उसी बारे में आरएसएस और बीजेपी को सुनाते हुए ओवैसी साहब ने क्या किस्सा सुनाया है और क्यों इनके ऊपर भड़के हैं, ये इस वीडियो के अंदर है। कंप्लीट देखना, एंड तक देखना, कर देना शेयर कर। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल अगर कोई संघी आरएसएस या अंबेडकर का दुश्मन या मुसलमानों का दुश्मन या संविधान का दुश्मन लफ्ज़ जिहाद बोला तो बोला रहे चुप, नहीं मालूम, पढ़ते नहीं ना, खाली ये बस खिलौना देखते रहते। ओल्ड सिटी के हैदराबाद की जबान बोलते मियां बुड्ढा हो गया दीवारा कूदना छोड़ दे। कल अगर कोई संघी आरएसएस या अंबेडकर का दुश्मन या मुसलमानों का दुश्मन या संविधान का दुश्मन लफ्ज़ जिहाद बोला तो बोला रहे चुप। अब सुनो, ये एक आदमी का नाम था आपटे, एक आदमी का नाम था मदन लाल पावा। आपटे कौन था, मदन लाल पावा कौन थे मालूम आपको? नहीं मालूम, पढ़ते नहीं ना, पढ़ते नहीं ना, खाली ये बस खिलौना देखते रहते। नहीं नहीं नहीं, खिलौना सर का है, बहुत महंगा। कितने लाइक आए रे देख, कितने लाइक आए आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, इंस्टाग्राम पे कितना देख। क्या है, पढ़ो जरा। बहरहाल ये आपटे मदन लाल पावा गोडसे के साथ मिलकर महात्मा गांधी के कत्ल के मुजरिम, महात्मा इन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया। तो ये जो आपटे हैं, इन्हों शादीशुदा थे, मैरिड थे वो पहले से, आपटे शादीशुदा थे मगर चोंच मारने की दी बीमारी थी इनको। ये है रियल लव जिहाद। ओल्ड सिटी के हैदराबाद की जबान वो बोलते मियां बुड्ढा हो गया दीवारा कूदना छोड़ दे। तो मैं नहीं बोल सकता, मगर बोलते मैं नहीं बोलता हूं उसमें भी बोलता हूं आपको। तो आपते क्या थे, शादी कर लिए मगर रंगीले थे। तो आपते क्या करे, एक क्रिश्चियन बच्ची थी उसका नाम मनोरमा था, उससे इश्क में मुब्तला हो गए, शादीशुदा थे उससे रंगरलिया मना रहे थे। उन्हों बंबई में पढ़ते थे तो इन्हों जाके इनको चौपाटी पे लेके जाते थे, बैठ के पिक्चर देखते थे बहुत बार। अब नहीं बोल सकता, बारह लंबी कहानी है उनकी। और इसको बोल के गए कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, बोले नहीं कि गांधी को मारने जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं फिर बाद में आ तो अपन फिर मिलेंगे। दिल्ली गए और गांधी को मारने से पहले अपने माँ बाप की पसंद की बच्ची को भी देख के आए कि इससे शादी करूंगा। शादी शुदा थे, इश्क भी चल रहा था और शादी के लिए दूसरी शादी के लिए भी। बोलो, शादी शुदा है और फिर आप एक से इश्क लड़ा रहे, उसको भी धोखा और जाके तीसरी को बोल रहा मैं तेरे से शादी करूंगा। और फिर गांधी को कत्ल करने के बाद वापिस आकर मनोरमा के साथ मनोरमा कर रहे थे। तो जब उसको पुलिस जाकर बोली कि ये आपटे है, पापी है, ये गांधी का खातिल है, तो मनोरमा ने कहा, यकीन नहीं आया उसको, उसने कहा कि इस फोन पर ठहरो, उसका फोन आने वाला है। फोन आया तो उस वक्त की पुलिस को मालूम हुआ कि आपटे एक जगह पर है, वहां जाकर आपटे को पकड़ लिया। अब इसको क्या बोलेंगे बीजेपी वाले, इसको क्या बोलेंगे बीजेपी वाले बोलो। और फिर ये एक साहब है मदन लाल पहवा,
जिसको बोलना चाहिए ना, रंगीन दास्तान है। ये लफ्ज आती है अहमदनगर जो महाराष्ट्र में है, वहां की एक बहुत बड़ी तवायफ औरत थी। हाँ तुम सुनो, अभी रंगीन बात करो तुम्हारे को एक्साइटेड हो गए यार। ये मदनलाल पावा साहब अहमदनगर में थे तो इनको माल, वहां पर एक तवायफ की बेटी थी, वो तवायफ की बेटी से इसमें मुब्तला हो गए और उसके साथ उन्होंने जो भी, तो मदनलाल पावा उसका नाम शेवंती था। क्या नाम था उसका? शेवंती। ये मदनलाल पावा भी गांधी के कत्ल में मुलविस थे, ये रेफ्यूजी थे पाकिस्तान उस वक्त के, वहां से आए थे। गांधी के कत्ल के बाद जब इनको गिरफ्तार किया गया तो ये शेवंती, जिसने कसम खाई थी कि मैं तवायफ की तरह जिंदगी नहीं गुजारूंगी, मैं मदनलाल पावा के साथ शादी करूंगी, उसका दिल इतना टूटा कि वो अपनी मां की तरह तवायफ बन गई। ये वो लोग हैं, अरे ये लोग धोखा देने वाले हैं, ये लोग गंदे लोग हैं। और 1988 में शेवंती की मौत हुई। अब आप बताओ, अच्छा ये मदनलाल पावा गांधी के कत्ल में सजा हुई, फांसी नहीं हुई थी, छूट गए 64 में छूटे, तो 64 में छूट गए तो लैला के पास जाना ना, देखो मैं आ गया। अरे यार नहीं गए, आज तो ज्यादा ही अजीब बातें कर दी इन्होंने यार, ज्यादा ही गलत याद वाला दिखा दिया। तारीख को आईना दिखाया, बाकी तुम्हारा शिजरा खोल सकता हूँ पूरा। अब खाली दो एग्जाम्पल दिया हूं, अगर और दूंगा तो बहुत तकलीफ हो जाएंगी बीजेपी संघ परिवार वालों को। अब आप हमको बोल रहे लव जिहाद, अच्छा वो एक भोपाल का मजे का किस्सा हुआ, पढ़े अखबार में? नहीं पढ़े, नहीं पढ़ते तुम लोग? नहीं पढ़ते तुम लोग? खैर मैं ही पढ़ा। वो एक बीजेपी की एमपी है मोहतरमा, उनपे बहुत बड़ा वो मालेगांव का मुकदमा चल रहा, तो एक बच्ची के अम्मा बाबा उनको जाके बोले, मैडम हमारी बच्ची किसी के इश्क में मुब्तला हो गई। तो उन्हें बोले उसका एक ही इलाज है, उसको ले जाकर केरला पिक्चर दिखाएंगे। ये कोई इलाज तो है नहीं इस तरीके से। केरला पिक्चर, द केरला पिक्चर में बहुत सारी चीज़ें फ्रॉड भी है, आप लोगों ने पहले भी, हमने उसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, तो केरला पिक्चर देख के आप क्या ही सीख लोगे। लेकिन सीखने वाली बात यहाँ पे है कि लव जिहाद जो सिर्फ मुस्लिमों पे इंजाम लगाए जाते हैं, ये हर कास्ट में हो सकते हैं, हर धर्म में हो सकते हैं। आप हिंदुओं में भी ये चीज़ें देखोगे कि हिंदू लड़के ने किसी मुस्लिम लड़की से प्यार किया, उसे धोखा दिया, या फिर हिंदू हिंदुओं में भी होता है। देखिए धोखा किसी में भी दिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ मुस्लिम ही देंगे, ये सिर्फ टारगेट करने वाली बात है। और हमारे देश में ज़्यादा होता है ताकि मुस्लिमों को बदनाम किया जा सके, टारगेट किया जा सके, इलेक्शन के वक्त और ज़्यादा होने लग जाता है। ओबियसली साहब ने बहुत सारी इसमें रियलिटी और फैक्ट वाली बातें की है, बहुत अच्छी बातें की है, मतलब पर्सनली हमें बहुत अच्छी लगी है। आप लोग बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, ओबियसली साहब की वीडियो हम और करें नहीं करें ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करके जरूर जाना वीडियो। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।